यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम है। चक्का जाम का आज चौथा दिन है। प्रदेश में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना कल भी करना पड़ा था, आज भी यही सिलसिला जारी है। रोडवेज की हड़ताल को लेकर चंडीगढ़ में परिवहन विभाग की बैठक भी हुई। इस बैठक में जो अध्यक्षता हुई थी वो कृष्णलाल पवार के द्वारा की गई थी। इस बैठक में समीक्षा और कई फैसले भी लिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों से बसें हायर की जाएंगी जिसमें बस ड्राइवर और कंडक्टर स्कूलों का होगा। साथ ही स्कूल आरटीए से संपर्क करके जिलों में बसें चालू कर सकते हैं। स्कूल मालिक सरकार रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत करने को तैयार है। साथ ही परिवहन मंत्री ने जानकारी यह भी दी कि जो प्रदर्शन में शामिल हैं कर्मचारी उन पर कार्रवाई तो बिल्कुल ही की जाएगी और ये चेतावनी इससे पहले भी वो दे चुके हैं।